नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले हम अपने हेयर्स को बन में बना लेंगे, हाफ बन अपने हेयर्स का बना लेंगे। पहले हम एलोवेरा जेल लेंगे बिकॉज एलोवेरा इज़ अ वेरी गुड फॉर सूथिंग योर स्किन और ये बहुत ही सेफ होती है टू यूज़। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप एलोवेरा जेल से ही यूज़ करें। एंड देन हम ट्विंकल फेसर लेंगे, उसकी हेल्प से आप अपने सारे फेशियल हेयर्स को रिमूव कर देंगे। रेजर की हेल्प से क्या होगा कि हमारी जो फेस है वो बिल्कुल नीट लुक देगी, बिल्कुल नीट लुक आ जाएगी, विच लुक सो गुड। हम बिल्कुल अच्छे से अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करेंगे एंड देन हमारे फेशियल हेयर्स में ब्राउज एंड अपर लिप्स भी आते हैं। अपने अपर लिप्स के हेयर्स को रिमूव कर देंगे। फिर हम अपने एक्स्ट्रा हेयर्स इस ट्वीज़र की हेल्प से निकालेंगे बिकॉज आई एम टू लेज़ी कि मैं पार्लर जाऊं एंड अपने आईब्रोज करवाऊं। वैसे भी मैं वीडियोस वगैरह बनाती रहती हूं तो मैं घर पे ही अपने जो आईब्रोज है वो खुद कर लेती हूं। एंड देन जो ये एक्स्ट्रा हेयर्स हैं आपके, वो भी आप ट्वीज़र की हेल्प से रिमूव कर दीजिए बिल्कुल आराम से। इससे क्या होगा, आपके एक दो हफ्ते निकल जाएंगे। एंड देन सीज़र लीजिए, मेरे पास बिल्कुल छोटी सी सीज़र है, इसकी हेल्प से जो मेरे ऊपर वाले एक्स्ट्रा हेयर्स है उसको मैं इससे रिमूव कर दूँगी। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो आपके टेढ़े मेढ़े बाल कट जाएंगे। बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा और अच्छे से बाल कट कर दीजिएगा। एंड देन दूसरी साइड कर रही हूँ मैं, ये देखिए। एंड देन टोनर लेंगे, फिर टोनर की हेल्प से हम अपने फेस को बिल्कुल क्लीन कर देंगे। जितना भी डर्ट लगा हुआ है, हमारे जितने भी हेयर्स हैं वो सारे क्लीन हो जाएंगे। एंड इसके बाद हम अपने फेस पे आइसिंग करेंगे। आइसिंग की हेल्प से क्या होगा, आइसिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। इससे अगर आप सो के उठें तो आपकी पफिनेस ख़त्म हो जाएगी, एक्स्ट्रा ऑयल स्वेटिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर आप मेकअप एंड स्किन केयर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन लगेगा आफ्टर आइसिंग। एंड देन हम लैश कर्लर लेंगे, लैश कर्लर की हेल्प से हम अपने जो लैशेज है वो कर्ल कर लेंगे। एंड ये हमारी नो मेकअप वीडियो है तो हमें बिल्कुल भी मेकअप का कोई यूज़ नहीं करना है, इसमें बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ करना है। अनदर साइड से हम लैश कर लेंगे अपने गर्ल्स को। ये देखिए, इससे ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमने ना कर्ल किया हुआ अपने लैशेज को, मस्कारा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड देन हम ये लिप स्क्रब लेंगे, इससे हम अपने लिप्स को स्क्रब करेंगे, एक्सफोलिएट करेंगे। जो भी ड्राई चैप्ड लिप्स होंगे वो इसकी हेल्प से दूर हो जाएंगे। बिल्कुल अच्छे से स्क्रब करेंगे हम अपने लिप्स को। अब हम इसे रिमूव कर देंगे स्क्रब को फेस से। एंड देन हम इसके बाद एक लिप बाम लेंगे, ये डॉट एंड की का लिप बाम है, माय फेवरेट लिप बाम। एंड देन हम फेस मसाज करेंगे, पहले हम फेस स्क्रब यूज़ करेंगे अपने फेस पे, फिर अच्छे से इसे मसाज करेंगे अपने फेस को। इससे आपका फेस जो है वो लिफ्ट हो जाएगा, लिफ्टिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है फेस मसाज। एंड देन हम ये क्रिस्टल बॉल यूज़ करेंगे, हम इसे अच्छे से मसाज करेंगे अपने फेस पे। इससे क्या होगा कि जो पेल स्किन होती है हमारी, वो भी रेडनेस में
कन्वर्ट हो जाती है। अभी आप देखना धीरे धीरे मेरी जो स्किन है वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, रोजी सी रेड हो जाएगी। रेडिश हो रही है मेरी स्किन जैसे जैसे मैं क्रिस्टल बॉल से अपने फेस पे मसाज कर रही हूँ। एंड देन हम अपने हैंड्स की हेल्प से अपने फेस पे मसाज करेंगे जिससे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारे फेस का वो अच्छे से ब्लड सर्कुलेट हो जाए। एंड देन उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र लूँगी, मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी बिल्कुल थोड़ा सा। एंड देन अच्छे से मसाज करूँगी अपने फेस पे। एंड देन सनस्क्रीन लूँगी, सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई कर दूँगी। एंड देन अच्छे से मसाज कर दूँगी। ये वीडियो है विदाउट मेकअप हम कैसे बेटर लग सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, देखिए ये मेरा फाइनल लुक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।